हाय एवरीवन हेलो आइए चलते हैं करते हैं अपनी इस क्लास को मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं वेलकम बैक टू अनदर क्लास हम यहाँ पर शिक्षण निगम की क्लास को आज फिर करने वाले हैं मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी और कुछ दिन हम कर लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस हो जाएगा कि हाँ एक टॉपिक पढ़ा या एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उनमें कुछ टॉपिक्स को आपने कवर किया आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ महबू शालनी सभी का स्वागत है शालनी क्लासेस में पहली बार जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं दो के जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सभी का स्वागत है प्लीज आइए को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में शेयर करिए आप सभी कॉलेज जाइए एक बार आप लोग का सेसन स्टार्ट हो चुका है अभी दस दिन लगभग पहले और आप लोग जाके अपनी चीज़ों को समझिए देखिए क्लासेस कैसी हैं क्या चीज़ें हैं आपको बहुत कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे करके यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट की क्लास आराम से दिन प्रतिदिन करते रहेंगे आज हम शिक्षण अधिगम की क्लास को फिर करेंगे शिक्षण अधिगम का पेपर टू है एडुकेशन पेपर टू यानी कि आपका पेपर टू है इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इसके पहले आप लोग ध्यान रखिए कि टेलीग्राम को ज्वाइन करिए वो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया है चैट बॉक्स में भी देखिए ऊपर आपको ब्लू कलर का ऐसे पिनअप करके दिख रहा होगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर शानी निकल सर्च कर सकते हैं आपको ईजली मिल जाएगा और आपको हर चीज़ वहाँ से डिटेलिंग मिल जाएगी न्यूज़ मिल जाएगी समझ में आ जाएंगी क्लासेस का तो नोटिफिकेशन का जो तो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हर क्लास होने से फिर मैं आपको लिंक दे देती हूँ तो वो आप लोग काफ़ी अच्छा हो जाएगा ठीक है तो ये हो गई आपकी क्लासेस बढ़िया तरीके से आप बढ़ते हैं आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं देखते हैं वन बाई वन तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण का अर्थ शिक्षण के अर्थ को आपको उस दिन बताया था सीखना टीचिंग कैसा कैसा शब्द आएगा कहाँ पे एम सी क्यूज़ बनेगा कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी वन बाय वन करके आपको हर चीज़ बताई गई तो कि काफ़ी बेस्ट रही है क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे क्या, क्या क्या लिखना है कितना लिखना है ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ सिर्फ सिंपल तरीके से वन बाय वन करके सारी क्लास को देखते चलिए आपको काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी प्ले लिस्ट सबकी बनी सभी सब्जेक्ट की प्लेस्ट बनी हुई है सब में आपको 2023 हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ मिलेगा आपको वन बाय वन करके हर चीज़ समझ में आएगी और एक के बाद एक क्लास सभी सब्जेक्ट की हर अल्टरनेट डे पे दो तीन दिन में होती रहेगी ठीक है ये अपडेट मैं डेली इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बाद जब ज्वाइन करें उन्हें प्रॉब्लम होती है तो ध्यान रखिएगा आगे बढ़िए चलिए आज जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये शिक्षण के प्रकार उस दिन की क्लास में हमने अर्थ और परिभाषा को देखा था आज हम टाइप ऑफ टीचिंग जो होती है टाइप्स ऑफ टीचिंग उनके बारे में जानेंगे कि ये क्या है टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेलिंग में घुस के हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें से एक दो बहुत अच्छे हैं तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है शिक्षण के प्रकार में उद्देश्य के आधार पर सबके आधार पर यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हैं तो उद्देश्य के आधार पर क्या है ये ध्यान रखिएगा उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण है वो हम यहाँ पर तीन प्रकार का हो सकता है कितने प्रकार का उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण है वो तीन प्रकार का हो सकता है पहला जो है वो है ज्ञानात्मक शिक्षण पहला जो है वो है ज्ञानात्मक शिक्षण इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष अथवा व्यवहार ज्ञान समझ प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन आदि को विकसित और पुष्ट करने से होता है मतलब ज्ञानात्मक शिक्षण इसका एक प्रकार है जिसमें ये चीज़ें होती हैं जो ज्ञान की चीज़ें हैं जिसमें आपके जान की बात है कि आप जान रहे हैं समझ रहे हैं कहते हैं ना कि जानते हो सीखते हो समझते हो लर्न करते हो उसको हम प्रयोग कर रहे हैं उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को हम चेंज करके देख रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं मूल्यांकन कर रहे मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जब हम ऐसे काम को करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सीटनामो के दिस हमको ऐसी चीज़ों को करने के लिए पुष्ट बनाना कि हम ये काम कर पाएँ तो ज्ञानात्मक शिक्षण हमें वहाँ पर बच्चों को दिया जाता है एक चीज़ दूसरा है भावात्मक शिक्षण इसमें क्या होता है इसमें भाव पक्ष को विकसित करने को काम क्या जाता है कि जिसमें इमोशनली चीज़ें को इमोशनल हो इमोशन होना भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है तो उसको डेवलप करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो सामवेगिक जो पावर है उसको देखें समझें व्यवहार को समझें काफ़ी जो को सीखें तो ये काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण अंग है ठीक है तो दो हो गया तीसरा है क्रियात्मक जिसमें कुछ एक्टिविटी की बात हो रही है इस प्रकार के शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है कि हम इसमें ऐसे कौशल से ऐसे कार्य को करने में विशिष्ट बनाने या विधि पर सिखाने में बल देते हैं कि बच्चा कुछ सीखे कुछ करें कुछ तोड़ो कुछ जोड़ो तो कुछ बनेगा ऐसे कुछ चेंजेस ले आए तो इस तरीके से सिखाने पर काफ़ी बल दिया जाता है जहाँ पर हम चीज़ को सीख के इन्हांस कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं सीख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल भी बनता है ठीक है ध्यान रखिएगा बेसिक बेसिक बातें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आती हैं कभी कभी हमें जैसे मान लीजिए कि आपको लिखने को आता है कि क्रियात्मक शिक्षण क्या होता है भावात्मक शिक्षण क्या होता है ज्ञानात्मक क्या होता है इनसे आप क्या समझते हैं आइए तो एक बता दिया मैंने किसके बेस मैंने बताया आपको उद्देश्य के आधार पर बताया आगे बढ़िए दूसरा है शिक्षा शिक्षण की क्रिया के दृष्टि से ये कई सारे हैं और सबके बेस के मतलब इसकी दृष्टि से उसके आधार पर ऐसे अलग अलग है तो कहा जाता है कि शिक्षण एक अत्यात्मक संप्रत की प्रक्रिया है ठीक है तथा शिक्षण के समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं को तीन प्रकार से बांटा गया बड़ा बड़ा जैसे बतलाना क्रिया की बात हो गई ना तो बतलाना क्या होगा बोलने में आएगा शिक्षण के इस प्रकार के इस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत सम्प्रत सिद्धांत विषय के वस्तु के बारे में बताना मतलब जैसे कोई आपने कुछ बनाया तो आप उसके बारे में सारी इंग्रेडिएंट्स जान रहे हैं कि क्या क्या है क्या क्या, -क्या इन्वॉल्व है उन चीज़ों को देख रहे हैं समझ रहे हैं सीख रहे हैं तो आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने कोई प्रिंसिपल बनाया कोई बुक लिखी है कुछ नया किया कि सब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ाया कोई सामान है कुछ भी है तो जिसके बारे में आपने एनालिसिस किया भापा उसको देखा सब कुछ किया तो उसके बारे में आपको बताना तो पहला हो गया दूसरा है दिखाना या प्रदर्शन करना किसी कार्य प्रक्रिया या कौशल को करके दिखाना प्रदर्शन कर के शिक्षण के अंतर्गत आता है जहाँ पर हम कोई काम है कोई प्रोसेस है कोई स्किल है उसको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं अपने कौशल को सामने रख रख रहे हैं लोगों को हम बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कर रहे हैं तो उस तरीके से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नेक्स्ट है कार्य करना इस शिक्षण के इस शिक्षण के इस रूप में कौशल और क्रियात्मक पक्ष को मतलब डेवलप करने का फल एक आप मेन एम देना कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप उसको कर कर दिखाओ या ये कौशल आपको आता है या आपको एक कोई स्किल आती है तो उस पर काम करो क्योंकि हमें मालूम है जो चीज़ें जैसे कोई किसी में अच्छा है कोई आर्ट बना रहा है कोई रंगोली बना रहा है कोई कुछ और बना रहा है तो आप उसको प्रेजेंट करो आप उसको इसीलिए स्कूल में एक्सपेरिमेंटेशन वाला दिन होता है प्रदर्शनी लगती है प्रोजेक्ट मिलता है हम साइंस के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई चीफ गेस्ट आता है देखता है बहुत कुछ करता है ना तो वो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि हमें ऐसा बनाना है हम ऐसा सीखते हैं करते हैं तो ये सारा क्या है इससे क्या होता है कि हम काफ़ी कुछ सीखते हैं साथ ही साथ एक स्किल भी डेवलप होती है हमारी तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है दो मैंने अभी तक बताए दो में तीन तीन, तीन बताए आगे आइए तीसरा जो एक कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें होंगी शिक्षण स्तरों के दृष्टि के लेवल के बेसिस पे कैसे है तो शिक्षण एक आवंचनीय और सत्यासात प्रत्युक्त प्रक्रिया है यह प्रक्रिया व्यक्ति के विभिन्न मानसिक स्तर के समान हो सकती है हाँ क्योंकि सबका एक मेंटल लेवल अलग होता है एक सेट ऑफ माइंड सबके अलग अलग होते हैं उनके बेसिस पे भी हो सकती है जैसे आपको चीज़, चीज़ों को समझ में आएगा तब पहला जो एक लेवल बांटा गया है वो है स्मृति मेमोरी के लेवल के हिसाब से ठीक है मेमोरी के लेवल के हिसाब से बात है कि इस प्रकार के शिक्षण में केवल इस बात का प्रयास किया जाता है कि दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह याद रखा जा सके जहाँ पर हम एक कंपैटिबल वे में या एक प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं कोई नया चीज़ सीख रहे हैं या कहीं नए रास्ते पे हैं कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको बेटर वे में सीख पाएँ उनको हम बेटर वे में देख पाएँ नाजिस्स कर पाएँ या दोबारा हम उसको रीमेक कर पाएँ उसमें कुछ अपडेट कर पाएँ तो ये चीज़ें हमें मेमोरी में रखनी होंगी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको याद रखते हैं हमें राय रखना ज़रूरी है तो, तो स्मृति इस स्तर का शिक्षण भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है दूसरा दूसरा जो मेन कैटेगरी डिवाइडेशन है वो है बोध का स्तर वो कौन सा स्तर है वो बोध का स्तर है इस प्रकार के शिक्षण में इस यह प्रया, प्रयास किया जाता है कि केवल किसी के तथ्य को याद न रखा जाए पर तो उसको समझ भी लिया बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना क्योंकि रटी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं हम हम कोई चीज़ याद किए हैं तो हमें बहुत कम दिन तक याद रहती है हमें नहीं लेकिन अगर हमने कोई चीज़ को समझ ली जैसे हमने हमें जोड़ आता है ठीक है अगर हमने रटा होता कि दो प्लस दो चार होता है दो प्लस दो चार होता है दो प्लस दो चार तो चार 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 तो दिमाग पर सेट रहता मान लो ये ना रहता लेकिन दो प्लस दो ही फिर आप चार याद करते आप तीन और छः को नहीं ऐड कर पाते कि उतने बराबर नौ होता है तो हमने उस चीज़ को क्या क्या समझा रटा नहीं तो वो हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन ये चीज़ें आती हैं तो ऐसे कोई चीज़ है तो उसको बच्चों को याद करने की चीज़ों पर मना करते हैं कि याद नहीं करिए उसको समझिए तो बोध स्तर का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है मीनिंग है एग्जाम्पल्स है प्रिंसिपल्स है कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको बच्चों को याद ना कराने के बजाय उनको समझाने पर ज़ोर दीजिए और वो उस चीज़ को समझें क्योंकि समझी हुई चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती लॉन्ग लाइफ तक याद रहती और ये रट्टा मारी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं तो ये दोनों में बहुत ह्यूज अमाउंट में डिफरेंस है जिससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है जो कि ये बच्चे याद करने के रास्ते को आसान समझते हैं लेकिन वो आगे आने वाले समय के लिए बेकार साबित होता है तीसरा जो है वो है चिंतन स्तर का शिक्षण ये क्या है इस प्रकार के शिक्षण में रटने और समझने तक ही सीमित नहीं रखा जाता है अभी तो इसमें इस बात की भी एक चेष्टा रखी जाती है कि जिज्ञासा ठीक है रुचि अनुसंधान धैर्य आदि का भी विकास हो ताकि समस्या को वैज्ञानिक दृष्टि मतलब जैसे कोई टॉपिक था या हमें कुछ काम मिला हमने इसको किया तो सामने वाले टीचर ने कहा कि इसमें ये सोल्यूशन डाल तो ये लाल हो जाएगा हमने डाल दिया फिर हमने कह, दूसरा क्रॉस चेक करके सर को ये नहीं बोला कि सर अगर ये पीला वाला डाल देंगे तो क्या होगा सर अगर ये काला वाला डाल देंगे तो क्या होगा अच्छा सर हम सोल्यूशन नहीं डालेंगे तो क्या होगा और हम अगर ये सारा एक साथ डाल देंगे तीनों कलर एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा तो ये क्या वाली जो जिज्ञासा है ये क्या वाली जो भूख है ये होती है एक आपकी हंगरनेस अगर आपको हंगर नहीं था तो आप क्यों 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 क्यों, क्यों करेंगे और हर क्यों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे बस क्वेश्चन आपका जायज़ होना चाहिए अब आप पूछेंगे मैम से मेरे से मैम से लाल ही क्यों होता है तो अब मैं आपको एक जवाब दे दूंगी कि डियर सिर्फ सिर्फ लाल हमारे इंडिया में मिलता है बाहर आप देखो तो काला भी मिलता है ठीक है बट लाल है तो लाल है अब आम पीला है तो पीला है अब हम आम को हरा नहीं कर सकते ना वो तो कच्चा रहेगा तभी हरा है तो मतलब देखो क्वेश्चन आपका जायज हो तो टीचर में इस चिंतन स्तर में बोल जाता है कि बच्चा इस दिमाग पे अपना दिमाग बढ़ाए कि अच्छा सर ने बोला कि ये चीज़ ऐसे रखी है तो ये ऐसे दिख रही है क्या मैं इसको ऐसा करके रखूँ तो कैसा दिखेगा तो वो जो क्या क्यों कैसी वाली चीज़ें हैं वो चिंतन स्तर से ही आती है पहले तो नहीं आती तो सामने से तो टीचर बोलता है अच्छा एक बात बताओ राजू कि मैंने लाल कलर का सोल्यूशन डाल के इसको इस तरीके से चेंज कर दिया तो पीला कलर डाल देंगे तो क्या होगा तब बच्चा सोचेगा कि सर हाँ ये सर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे को भी तो पूछना चाहिए बच्चे को और कुछ एक्टिविटी करके आनी चाहिए जब बुक में जो एक्टिविटी दी उसको करके आनी चाहिए तो इससे क्या है, हमारे क्वेश्चंस का स्तर बढ़ता जाता है तो हमारी चिंतन करने की हमारी सोच करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है तो बच्चों को चिंतन करने के लिए भी जब आप सिखाएंगे कि ऐसे सोचो या ऐसे क्वेश्चंस बना कर लेके आओ या ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए या आप कहीं गए हैं कोई चीज़ आपने देखी और आपने पूछना चाह रहे हैं लेकिन पूछ नहीं रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस शिक्षण में ही सिखाई जाती हैं ठीक है थिके? बात समझ में आई यहाँ तक चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी शाम को चार बजे मिल रहे हैं क्लासेस कर रहे हैं सारी प्रिस्ट बनी हुई है ठीक है चलिए फ्रेंड्स फटाफट फड़ करिए जिन्होंने नहीं किया है फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों को चीज़ें मुझे जितनी बतानी है समय के साथ सब बताती चलूँगी वन बाय वन का बहुत परेशानी नहीं होगी सब कुछ हो जाएगा आप लोग सेल्फ स्टडी भी आप शुरू कर दीजिए प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट की ठीक है और नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है जिन्हें जो भी लेना है या जैसा भी है धीरे धीरे करके अपना ले लीजिएगा एक सब्जेक्ट भी मिलेगा ऑल सब्जेक्ट भी मिलेगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं शासन और प्रशासन के अनुसार बटा हुआ है देश की शासन प्रणाली अथवा शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली का एक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए काफ़ी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमने जो शिक्षण के टाइप को बांटा ना वो एक जो है एक शासित रूल के बेस पे भी बांटा है जैसे एक तंत्रात्मक आता है ठीक अब एक तंत्रात्मक शिक्षण तंत्रात्म क्या होता है देखिए इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्रित बिंदु होता है एक तंत्र का मतलब होता है जहाँ पर टीचर क्या हो राजा हो टीचर क्या हो राजा हो सर्वोपरि हो वहाँ पर शिक्षक का स्थान प्रधान माना जाता है और जो बच्चे का स्थान होता है वो नीचे होता है टीचर के छात्र सभी क्रियाओं को शिक्षक के मार्गदर्शन पर ही करते हैं जो टीचर कहता है वही पर करते हैं टीचर की आकर का पालन करना होता है और टीचर के द्वारा ही चीज़ों को हम ध्यान से शिक्षक छात्रों को अशुद्ध ज्ञान भी दे सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी कभी हम नहीं क्रॉस चेक करते हैं तो गलत नॉलेज भी स्प्रेड हो जाती है तो एक तंत्रात्मक का मतलब क्या है यूनिटेरी शिक्षा है जहाँ पर सिर्फ टीचर की ही सारी बात चल रही है टीचर ही सब कुछ बता रहा है टीचर ही कर रहा है ना बच्चों को कोई खास इतना पूछने के कोई इंटरेस्ट आ रहा है नहीं बच्चे की कोई हस्तक्षेप उसमें हो रही है तो ये एक तंत्रात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि टीचर के कहने के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं आगे बढ़िए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि ये एक शिक्षण की एक ऐसा पद्धति है ऐसा सेटअप है जिसमें छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था को कहा गया है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका बड़ी अहम होती है दोनों एक दूसरे को काफ़ी इज्जत करते हैं सम्मान देते हैं संबंधों पर ताकि जो शब्द है उसे वार्तालाप करते हैं ताकि कोई डाउट अगर बच्चे के मन में टीचर उसको दूर कर पाए और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर के एक पक्ष प्रदर्शक के तौर पर काम करते हैं बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है तो ये एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर भी होते हैं सब विचारों का सम्मान भी करते हैं और बहुत अच्छे से हर चीज़ को अच्छे और बेहतर तरीके से सीखने में सफल भी सिद्ध होते हैं तो ये आपका लोकतंत्रात्मक हो गया तीसरा जो है वो है स्वतंत्र स्वतंत्रात्मक शिक्षण तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको ऐसी पद्धति के हिसाब से सिखाया जाता है जहाँ पर तो नवीन शिक्षण पर आधारित होता है बालक दबाव और बाधा मुक्त तो होकर सीखता है इसमें शिक्षक की रचनात्मक वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है और इस शिक्षण करते समय छात्र शिक्षक छात्र के साथ मृत्य मतलब इसमें फ्रेंडली नेचर हो जाता है कि टीचर भी काफ़ी टू हो जाते हैं बच्चे भी काफ़ी टू हो जाते हैं कभी कभी आप देखेंगे तो कुछ टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट होते हैं कुछ फेव होते हैं ना कि हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं या हमारे अच्छे हर टीचर अच्छे बच्चों को चूज़ करना पसंद करता है तो इसे कहते फ्रेंडली नेचर जब बन जाता है तो बच्चे अपनी हर एक बात को शेयर करते हैं बेहजे को जो तो शेयर करते हैं उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उनको मिलता है उनकी काफ़ी हेल्प भी होती है तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रशासन के बेस पर डिवाइड थी अब मैं वो प्रकार बताने चल रही हूँ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा बाकी जितनी चीज़ें थी वो आपके सिलेबस में बुक में है इसलिए पढ़ा दिया मैंने अब वो बताऊँगी जो बहुत है शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से ये तीन प्रकार का है पहला होता है औपचारिक शिक्षण जो पेपर में हज़ारों बार से पूछा जो मतलब बहुत जितना पेपर हुआ सात आठ साल हर बार आया है औपचारिक शिक्षण होता है ये क्या होता है इससे आप क्या समझते हैं तो ये शिक्षण स्वद्देश्य पूर्ण होता है इसमें इस शिक्षण में, में आयु समय स्थान के अनुसार एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर चलता है मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन होती है कि आप अगर एक विद्यालय में एडमिशन लिए हैं तो उसी विद्यालय में जाएंगे वहीं पर पढ़ेंगे वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे आप सिक्स में जहाँ पर आज आप एक, एक स्कूल में गए हैं तो कल आप दूसरे स्कूल में जाएंगे ऐसा नहीं है आपका स्कूल फिक्स होगा आपके टीचर फिक्स होंगे आपका टाइम फिक्स होगा आप वो एक सेम जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई को पढ़ेंगे तो जो चीज़ें एक सेट में होती हैं एक स्थान पर होती हैं निश्चित समय पर होती हैं निश्चित के हिसाब से होती है, वो हमारी सारी की सारी औपचारिक होती है ध्यान रखिएगा अनौपचारिक क्या होता है जिस शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप अनौपचारिक होता है वहाँ पर समय स्थान आयु वगैरह कुछ भी बंद ही नहीं होती है आप अपनी हिसाब से अपनी योजना के हिसाब से जब मन में आए तब जहाँ से मन आए वहां से आज इस टीचर से तो कल उस टीचर से आज ये तो कल वो जो भी इच्छा करती है आप उसको सीख सकते हैं जब मन सुबह मन हो तो सुबह शाम मनो तो शाम रात मनो तो राम जब मन तब आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो शिक्षण हम लेते हैं वो हमारा अनौपचारिक होता जो हम दूसरे के अकॉर्डिंग करते हैं वो हमारा हमारा औपचारिक होता है एक होता है निरौपचारिक जिसमें क्या होता है कि उद्देश्य के आधार पर संगठित किया जाता है किंतु इसमें पाठ्यक्रम समय स्थान अन्य का बंधन नहीं इसमें भी ऐसे ही डिस्टेंस होती है डिस्टेंस की पढ़ाई यानी कि आप हैं इस वक्त जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये निरौपचारिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आपको क्लासेस देती हूँ वन बाय वन करके देती हूँ मैं आपसे ज़्यादा शेड्यूल वे में रहती हूँ लेकिन आप लोग नहीं रहते तो कभी कोई शाम को देख रहा है कोई लाइव देख रहा है कोई रिकॉर्डेड देख रहा है तो इस तरीके से होता है तो ये डिस्टेंस वाली पढ़ाई होती है तो ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पेपर में बहुत आएंगे बाकी के ऊपर के जितने वो आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा लेकिन ये तीनों अगर भूलते हैं तो नंबर आपके कट जाएंगे इन तीनों की परिभाषा लिखने को आती है एग्जाम्पल्स लिखने को आते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा ठीक है तो फ्रेंड्स आज की डिटेलिंग हो गई मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा तो हमने बहुत कल की क्लास से क्या पढ़ा? हमने अर्थ पढ़ा था अर्थ के बाद हमने एक छोटा रूप पढ़ा फिर हमने एक बड़ा रूप पढ़ा फिर हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी पहली क्लास में दूसरे में हम जब आए तो शिक्षण के प्रकार पढ़े उद्देश्य के आधार पर तीन बटे हुए हैं तो शिक्षण क्रिया की दृष्टि से भी तीन बटे हुए हैं स्तर की दृष्टि से भी तीन बटे हुए हैं और प्रशासन की दृष्टि से भी तीन बट सबके तीन तीन डिवाइड है और लास्ट में व्यवस्था के हिसाब से देखा तो उनके भी हिसाब से तीन बटे हुए हैं तो इस तरीके से हैं अब शिक्षा की जो प्रकृति है वो मैं कल डिस्कस करूँगी तो आज की क्लास करना चाहेंगे अब वो ओवर और आपको वन बाय वन करके सारी क्लासेस एवं पी डी एफ में मिलेगी जाइए देखिए समझिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मिलते है। हैं फिर नेक्स्ट में बाय बाय टेक केयर यू सून बेस्ट ऑफ